अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार है। आप लोगों से दिली गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज शबे बारात की रात है, इसलिए सबसे पहले आप सभी को शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज की रात हर बख्शिश मांगने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं। आज की रात हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सारी कायनात के शहंशाह, सारे मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अरसे आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारियों से शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़तागार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और ख़ताओं की नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे हुक्मों के नाफरमान हैं, नाशुक्र हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरे तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। ऐ हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर, जिस नमाज से तू राजी हो जाए। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर, जिन आमालों से तू राजी हो जाए। ऐ अल्लाह ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे हुक्मों की फरमावरदारी करने वाला बना दे, और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीजा तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्दी से जल्दी अदा करवा दे। ऐ अल्लाह शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों का मुँह काला कर। ऐ अल्लाह हलाल से कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया है वो भी इनायत अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा, और जिसने भी ये वीडियो देखा है और इस वीडियो को आगे फैला रहा है उसकी सारी परेशानियों, तकलीफ़ों, बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना।